Hello and welcome everyone to our channel Z2I Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इरेशनल पे. अगर फॉर एग्जांपल रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, एनीथिंग, जब अगर हमें प्रूफ करना होगा वो इरेशनल अगर है तो उसके लिए हमने वो सॉल्व किया था कि पहले अज्यूम कर लिया था कि वो रेशनल है और बाकी हमने सॉल्व किस तरह किया था वो तो पता है. आज के क्लास में क्या है कि वो तो सिर्फ रूट टू, रूट थ्री था, लेकिन अब मान लो कि वो अरिथमेटिक फॉर्म में है. फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लस रूट फाइव लाइक रूट थ्री माइनस सिक्स लाइक टू प्लस थ्री रूट फाइव. तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ एक रूट आ रहा है, लाइक रूट फाइव, रूट थ्री, एक ही रूट आ रहा है, बाकी दूसरा क्या है वो इंटीजर है. नेक्स्ट केस टू इंटू रूट सेवन, मतलब कि एक रूट है उसके मल्टीप्लाई में उसके मल्टीपल के साथ में कौन है, इंटीजर है. नेक्स्ट केस वन बाई रूट थ्री, जब वो रूट टू, रूट थ्री डिनोमिनेटर में होगा. नेक्स्ट केस जब दोनों तुम्हारा टर्म जो है वो रूट हो जाएगा. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा अलग अलग, ठीक है. इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, लास्ट में दिस वन, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले जब मेरे पास सिर्फ एक रूट दिया हुआ है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो सॉल्व कैसे करेंगे. सो आवर क्वेश्चन इज, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक ही रूट दिया हुआ है, दूसरा टर्म जो है वो इंटीजर में है. अब यहां पर प्लस हो, माइनस हो, या ये लिखा हुआ हो कि रूट फाइव प्लस टू हो, डजंट मैटर, सब एक ही तरह से सॉल्व होगा. बस ध्यान रखना है कि ये एक ही रूट यहां पर है, दूसरा क्या है, इंटीजर है. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ हमें करना है कि इरेशनल नंबर है. तो सेम मेथड, पहले एज्यूम कर लेंगे दैट द गिवन नंबर इज रेशनल. तो हमने ये लास्ट क्लास में भी किया था, कैसे किया था, लेट टू प्लस रूट फाइव बी रेशनल. हमने एज्यूम किया था कि जो हमें प्रूफ करना है उसको हम रेशनल एज्यूम कर लेते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. तो लेट ए टू प्लस रूट फाइव बी रेशनल किस फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ए पी बाई क्यू इन सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू. और रेशनल नंबर जब भी होता है पी बाई क्यू फॉर्म में तो वो पी और क्यू क्या होता है, वो होता है इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा जो गिवन नंबर था वो रेशनल है इन सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. अब कैसे करेंगे, अब देखो जब हमने इसको उस फॉर्म में लिख लिया है तो क्या होगा, टू प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है. अब एक चीज ध्यान रखना कि हमें ये प्रूफ करना इरेशनल, इसमें जो रूट फाइव है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो हमारा इरेशनल नंबर है. ये कंप्लीट नहीं, रूट फाइव हम लोग जानते हैं दैट रूट फाइव इज इरेशनल, उसको यहां पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब देखो इसको इस तरह सॉल्व किया जाए ताकि रूट वाला टर्म एक तरफ रह जाए और बाकी टर्म दूसरे साइड. तो क्या करेंगे, रूट फाइव को यहां पर छोड़ दिया जाए और टू को ले जाओ उस साइड, तो क्या होगा, पी बाई क्यू माइनस टू. सो रूट फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, पी माइनस टू क्यू. ये मुझे मिल गया कि रूट फाइव की वैल्यू क्या आ गई, पी माइनस टू क्यू बाई क्यू, ठीक है. अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि मुझे पता था कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. तो ये ऊपर का पूरा टर्म क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद इंटीजर आएगा, नीचे टर्म क्या आएगा, इंटीजर आएगा. और हमें पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म, जब न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है रेशनल नंबर. तो ये पूरा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया. हम ये कह सकते हैं कि सिंस पी क्यू आर इंटीजर्स, तो ये टर्म क्या होगा, पी माइनस टू क्यू बाई क्यू इज रेशनल. और जब इस इक्वेशन में आरएचएस मेरा रेशनल आ चुका है तो एलएचएस भी क्या होना चाहिए, एलएचएस भी होना चाहिए रेशनल. तो सो रूट फाइव इज रेशनल.
ये मेरा इरेशनल आ चुका है, और अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि दो दो चीज़ दो टर्म आपस में इक्वल हैं, तो ये रेशनल तो वो भी रेशनल होगा, तो रूट फाइव इज रेशनल। लेकिन हमारा जो फैक्ट था वो क्या था, दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो ये हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। हमें ये ऑलरेडी पता है कि रूट फाइव इरेशनल है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टू प्लस रूट फाइव के लिए, तो रूट फाइव क्या आ गया, मैंने बोला कि अभी सॉल्व करने के बाद मुझे मालूम चला कि रूट फाइव इरेशनल है, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें बताता है फैक्ट ये है कि रूट फाइव इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, और जब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो हम ये कह सकते हैं हेंस टू प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। तो जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा फॉल्स हो गया, यहाँ से मालूम चल गया कि 2 प्लस रूट फाइव मेरा इरेशनल होगा। क्यों होगा? यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि रूट फाइव इरेशनल होता है, लेकिन ये आया क्या, ये आ गया असल में रेशनल, तो वो क्या हो गया, वो यहाँ पर इसके वजह से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल, हमें प्रूफ करना है। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था कि 2 प्लस रूट 5, वहाँ पर भी एक ही रूट था और यहाँ पर भी एक ही रूट है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 5 माइनस ही रूट 3 नहीं 2 रूट 3 आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में सिंगल रूट रहेगा तो उसका मेथड सेम है सॉल्व करने का, तो इसका मेथड भी एग्जैक्टली सेम है कि हम एक रूट वाले को एक साइड छोड़ देंगे और बाकी को उठा कर ले जाएंगे सेकेंड साइड। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि हम एज्यूम कर लें दैट दिस नंबर इज इरेशनल, तो हम क्या बोलेंगे, लेट 5 माइनस 2 रूट 3 बी रेशनल। अगर रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, इन सिंपलेस्ट फॉर्म लेट से ए बाई बी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा रेशनल का, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये तो हमें पता है कि जो रेशनल फॉर्म होता है उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये हमने फॉर्म तो लिख लिया, अब जो फॉर्म लिखा है उसको यहाँ पर नोट कर लिया जाए, क्या था, 5 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। मैंने क्या बताया लास्ट क्वेश्चन में कि सिंगल रूट वाला जब क्वेश्चन होगा तो उसे एक रूट को छोड़ दो एक साइड, बाकी को ले जाते हैं सेकेंड साइड सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कि सिंगल रूट के बारे में बताया है कि रूट थ्री हमारा रेशनल होता है इरेशनल होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, पहले जाएगा 5 उस साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 5। ठीक है, अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया माइनस 2 रूट 3, तो हम मैंने क्या बोला था कि रूट 3 एक रूट को छोड़ दो बाकी को उठा के उस साइड ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू ए माइनस 5 बी बाई बी। ठीक है, अब माइनस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में रूट 3 के साथ, उसको वहाँ लेकर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू माइनस को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस 5 बी डिवाइड बाई 2। तो इससे क्या हो गया कि हमारा रूट एक साइड आ गया और बाकी जो चीज़ें थी वो चली गई दूसरे साइड में। अब मुझे पता है कि a और b इंटीजर्स है, a एंड b आर इंटीजर्स, तो ऊपर वाले को जब भी हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट में, तो जब a और b इंटीजर्स है सॉल्व करने के बाद इंटीजर ही आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 भी क्या है, इंटीजर है, देन इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। अब ये पता चल गया हमें कि ये रेशनल नंबर है और इक्वल टू रूट 3 है, दैट मीन्स इसे भी रेशनल होना चाहिए ना, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। सो माइनस ए माइनस 5 बी बाई 2 इज रेशनल। ये टर्म क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो जब RHS रेशनल हुआ तो LHS भी रेशनल होना चाहिए इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से। सो क्या हो जाएगा, रूट 3 इज रेशनल।
रूट थ्री हमें क्या मिल गया, यहाँ से पता चल गया कि इस इक्वेशन से मुझे पता चला कि रूट थ्री हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट ये कहता है दैट रूट थ्री इज इरेशनल। वो फैक्ट है, ये हमने यहाँ से प्रूफ की निकाला है कि रूट थ्री रेशनल आ रहा है, लेकिन फैक्ट में था कि रूट थ्री इरेशनल होता है। तो इससे क्या हो गया, इससे हम पता चल गया कि हमारा जो एजम्पशन था वो इनकरेक्ट है। दैट मीन्स वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, रूट थ्री इरेशनल होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर रेशनल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। ये फैक्ट था कि रूट थ्री इरेशनल है, इसको इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। देयरफॉर ये कह सकते हैं कि आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। देयरफॉर फाइव माइनस टू रूट थ्री इज इरेशनल। हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था, इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम था, बस यहाँ पर क्या आ गया था कि रूट थ्री के साथ टू मल्टीप्लाई में आ गया था। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक रूट रहेगा तो उसको हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट टू रूट थ्री इज इरेशनल। पिछला जो हमने दो क्वेश्चन किया है वहाँ पर एक रूट था लेकिन वो प्लस माइनस में था, लेकिन सिंगल रूट था, तो उसको हम उस तरीके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू के साथ रूट थ्री मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एक ही रूट है लेकिन उसके साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई में है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है लाइक टू रूट थ्री, फाइव रूट टू, एनीथिंग, ठीक है, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेम मेथड है। क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट वी अज्यूम दैट लेट टू रूट थ्री बी रेशनल, एंड इफ टू रूट थ्री इज रेशनल देन इट विल बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वॉट, लेट्स से ए बाई बी। सो टू रूट थ्री बी रेशनल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। हमें पता है कि रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड द डिनोमिनेटर दैट इज बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो उस फॉर्म को यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, क्या था, टू रूट थ्री को हमने कहा था ए बाई बी फॉर्म में है, टू रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी। अब मैंने क्या बोला था, ये तो सिंपल है, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि रूट को छोड़ दिया हमने एक साइड और बाकी को ले गया दूसरे साइड। एक चीज़ और है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है दैट टू रूट थ्री इज इरेशनल। तो ये जान लो कि जो रूट थ्री, अकेला जो रूट थ्री है वो इरेशनल होता है, ये फैक्ट है। इसे हमें यहाँ प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है टू रूट थ्री को, और हमें पता है कि रूट थ्री इरेशनल होता है, ठीक है। तो रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी, हम क्या करेंगे, टू को इधर लेकर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई टू b, and we know that a and b are integers, therefore this fraction is rational. और अगर ये rational है तो root 3 भी क्या हो गया, rational हो गया इसके वजह से, ठीक है। So हम कह सकते हैं कि since a and b are integers, so a by 2b is rational. अगर a by 2b rational है तो RHS अगर रेशनल है तो LHS भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए। सो रूट थ्री इज रेशनल। यहां से हमने मुझे मिला कि रूट थ्री रेशनल है, लेकिन फैक्ट क्या बोलता है, फैक्ट ये कहता है कि रूट थ्री इज इरेशनल। तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हम ये कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 3 is irrational. इसने contradict किया हमारा fact कि root 3 irrational होता है, तो our assumption is incorrect. Therefore, 2 root 3 is इरेशनल। यहां पर चाहे तो कोई भी लिख सकता है कि आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर टू रूट थ्री इज इरेशनल। सेम चीज है यहां पर भी, हमने रूट को एक तरफ रख दिया, बाकी को लेकर दूसरे साइड, और दिखा दिया कि इरेशनल और रेशनल बन रहा है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये इस तरह से सॉल्व होगा।
Our next question is to prove that 2 by root 5 is irrational. हमने last question में क्या था? Last question हमने किया था 2 into root 3, तो वहाँ पर कुछ भी आ जाएगा, 5 into root 5, -2 root 3, -2 root 5, वो सारा क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में है। अब ऊपर में कुछ भी हो लाइक 2 by root 5, 1 by root 5, 1 by root 3, -2 by root 3, एनीथिंग, अगर नीचे में एक रूट आएगा तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सेम चीज़ है, इसको पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है। सारे क्वेश्चन हमें यही अज्यूम करना है, लेट 2 by root 5 बी रेशनल। अब रेशनल है तो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म व्हाट, यहां पर अज्यूम कर लेते हैं पी बाई क्यू। और अगर ये रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू में है तो वहां पर पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर्स होगा, वो हमें पता है। वेयर P and Q are integers and the denominator that is Q must not be equal to zero. अब जबकि 2 by root 5 एक rational form, rational number के form में है तो उसे हम equal कर देंगे, 2 by root 5 is equal to P by Q, same method है। अच्छा, अब अगर हमें ये निकालना है तो हमें पता है कि रूट फाइव इरेशनल होता है, ये फैक्ट होता है कि रूट फाइव इरेशनल होता है और हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, एक तरीका करने का ये है, इसको इन्वर्ट कर दो दोनों साइड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ताकि रूट फाइव जो है हमारा वो ऊपर आ जाए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू क्यू बाई पी। हमने क्या कर दिया, इक्वल टू दोनों हेड को इन्वर्स कर दिया और यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, तो उससे क्या हो गया, हमारा रूट फाइव आ गया ऊपर। अब ये टू यहाँ पर डिवाइड में है, वहाँ कर क्या होगा, मल्टीप्लाई रूट फाइव इज इक्वल टू टू क्यू बाई पी, हमें फिर से वही फॉर्म मिल गया, टू क्यू बाई पी क्या हो, क्यू इज इंटीजर, पी ऑल्सो इंटीजर, सो टू क्यू बाई पी विल बिकम रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट फाइव भी क्या हो गया, रूट फाइव भी हो गया रेशनल नंबर, जो कि हमारा रॉन्ग हो गया। फैक्ट क्या बोलता है, दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो हम यह कह सकते हैं सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सो टू क्यू बाई पी इज रेशनल। पी और क्यू अगर इंटीजर है तो 2q क्या होगा, इंटीजर होगा, p भी क्या होगा, इंटीजर होगा, सो 2q बाई पी क्या बन गया, ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। और अगर RHS रेशनल नंबर है और रूट फाइव इसकी इक्वल है तो रूट फाइव भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सो रूट फाइव इज रेशनल, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारा फैक्ट को, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि रूट फाइव जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है। सो हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो ये हमारा फैक्ट जो होता है कि रूट फाइव इरेशनल है उसको इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, होता है इरेशनल लेकिन आया रेशनल है। तो हम कह सकते हैं कि आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर 2 by root 5 इज इरेशनल। हमने अज्यूम किया था कि रेशनल होगा लेकिन उसके वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इसलिए वो इरेशनल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमारा रूट जो था वो डिनोमिनेटर में था, तो वहाँ पर 1 by root 5 हो, 1 by root 3 हो, 2 by root 5 हो, 2 by root 7 हो, 3 by root 11 हो, कोई भी फ्रैक्शन जिसमें रूट नीचे आएगा उसको हम उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। अब यहाँ पर दो रूट आ गया है, अभी तक हमने सॉल्व किया सिंगल रूट में, वो हमारा आसानी से सॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो रूट आ चुका है। दो रूट या तो समेशन में प्लस में हो, माइनस में हो, किसी भी तरह से अगर दो रूट अगर मेरा आ रहा है प्रूफ करने वाला, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको बढ़िया समझ लो। पहला मेथड तो, पहला स्टेप तो वही है कि इसको पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है। सो लेट टू रूट टू प्लस रूट फाइव
बी रेशनल किस फॉर्म में होगा? इन द सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू. सिंपलेस्ट फॉर्म कैसा है? पी बाई क्यू. मैंने क्या बोला कि वो रेशनल है, तो रेशनल क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये हम सारे क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं. अब जिस फॉर्म में लिखा गया उस फॉर्म में यहां पे लिख दिया जाए. क्या है? रूट टू प्लस रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू. अभी तक हमने सारे क्वेश्चन में क्या किया था? एक रूट को रखा एक साइड में और बाकी को उठाकर ले गए लेफ्ट साइड राइट साइड में. यहां पर भी वही काम करेंगे, बट यहां पर दो रूट है. अगर एक को उधर ले जाएंगे तो मेरे पास दो रूट है, सॉल्व कैसे होगा? तो ध्यान में ये रखना है कि मेरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि एक को ले जाते हैं उस साइड, ठीक है? तो क्या करेंगे? रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस रूट फाइव. किसी भी एक रूट को उठा के उधर ले जाओ, ये मेरा आसान हो जाएगा. क्या होगा? अब जो है दोनों को दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं. अब क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायर करने पर क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर क्या बन जाएगा? क्या होगा? रूट टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस रूट फाइव द होल स्क्वायर. हमने क्या किया इस इक्वेशन में? दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दिया. पहला स्टेप क्या था? एक रूट को उठाकर उधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है? अब सॉल्व कर लेते हैं आराम से. रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? टू. एक रूट तो गया. पी बाई क्यू माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है? ए माइनस बी का स्क्वायर. क्या होता है? ए स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट फाइव का होल स्क्वायर, दैट इज फाइव माइनस टू इंटू ए इंटू बी. तो क्या बन गया? माइनस टू पी रूट फाइव डिवाइड बाई क्यू. माइनस टू इंटू ए क्या था? पी बाई क्यू. इंटू बी क्या था? रूट फाइव. तो ये हमारा ये बन गया है. अब देखो इस पूरे इक्वेशन में मुझे एक ही रूट दिख रहा है, वो रूट क्या है? वो रूट है रूट फाइव वाला. तो ये टर्म मुझे एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी को ले जाना पड़ेगा दूसरे साइड. तो क्या करेंगे हम? इस वाला जो बड़ा टर्म है माइनस टू पी रूट फाइव बाई क्यू, इसको ले जाते हैं अपने एलएच साइड में और टू को लेकर आते हैं इस साइड में. क्या बन जाएगा? टू पी रूट फाइव बाई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. 2 इधर आएगा तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3. हमने क्या किया? इस रूट वाले टर्म को पूरे को उठाकर ले गए एक साइड, तो माइनस था वहां लेकर क्या हो गया? प्लस में. इस 2 को लेकर आ गया इस साइड, तो प्लस 5 ऑलरेडी पहले से था, तो 5 माइनस 2 आ गया 3. अब काम करते हैं, पहले से हम सॉल्व करते हैं. तो ये क्या बन जाएगा? 2p रूट 5 बाई क्यू इज इक्वल टू पी प्लस 3 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है? अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि रूट को एक तरफ छोड़ दो. अगर रूट को यहां छोड़ देंगे तो बाकी को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, सही है? तो अब क्या हो जाएगा? कह सकते हैं कि रूट फाइव इज इक्वल टू क्यू, यहां डिवाइड में था, वहां आकर होगा मल्टीप्लाई में. यहां पहले से क्या था? पी प्लस थ्री क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में चला गया क्यू और डिवाइड में आ गया टू पी, ठीक है? तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक क्यू तो हो गया हमारा कैंसिल. क्या बच गया? रूट फाइव इज इक्वल टू पी प्लस थ्री क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पी क्यू. इसको समझो ध्यान से. हमने क्या किया था कि माइनस वाले रूट वाले टर्म को इधर लेकर आ गए और टू चला गया उस साइड, ये मिल गया मुझे. इसके बाद क्या किया हमने? इधर वाले को पहले सॉल्व किया, तो क्या आया गया? पी पी स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. देन क्या किया हमने? इधर मैंने बोला था कि रूट को छोड़ दो, बाकी को ले जाओ सेकेंड साइड में. तो टू पी यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ कर क्या हो गया? डिवाइड में. और क्यू यहाँ डिवाइड में था, वहाँ कर क्या हो गया? मल्टीप्लाई में. क्यू से एक क्यू गया, ऊपर क्या बच गया? पी प्लस थ्री क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? टू इंटू पी इंटू क्यू, ये रूट फाइव के इक्वल हो गया. अब ध्यान दो कि हमारा एजम्पशन क्या था कि पी बाई क्यू रेशनल फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स.
जबकि पी आर क्यू इंटीजर्स है तो पी प्लस थ्री क्यू स्क्वायर में क्या होगा, सॉल्व करने के बाद इंटीजर आएगा, नीचे में पी और क्यू इंटीजर है तो टू इंटू पी क्यू क्या आएगा, इंटीजर आएगा, इंटीजर बाई इंटीजर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो फिर हम लोग वहीं पहुंच गए कि दैट दिस वन इज रेशनल और रूट फाइव हमें पता है क्या होता है, रूट फाइव होता है इरेशनल। तो यहां पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसके बाद वहां लिखते हैं क्या होगा, सिंस हमें पता है कि पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सो देयरफोर क्या होगा, पी प्लस थ्री क्यू स्क्वायर बाय टू पी क्यू इज रेशनल। पी और क्यू इंटीजर है तो पी प्लस पी स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू पी क्यू क्या होगा, वो हमारा रेशनल होगा, रेशनल हो गया। और अगर आरएचएस रेशनल है तो एलएचएस भी रेशनल होना चाहिए, इक्वल है इसलिए। तो देयरफोर हम लोग कह सकते हैं कि सो रूट फाइव इज रेशनल। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्यों, क्योंकि हमारा फैक्ट कहता है कि रूट फाइव इरेशनल होता है लेकिन हमारा क्या आ गया, रूट फाइव रेशनल आ गया। तो हम यहां कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। देयरफोर क्या प्रूफ करना था, रूट टू प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। तो यहां पर मुझे क्लियर हो गया कि अगर मेरा आरएचएस रेशनल आ गया था तो एलएचएस भी रेशनल होगा, रूट फाइव रेशनल हो गया, और रूट फाइव हमें पता है फैक्ट कहता है कि वो इरेशनल है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया और हमें कह सकते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था वो हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया, देयरफॉर रूट टू प्लस रूट फाइव विल बी इरेशनल नंबर। इस ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। तो अगर लास्ट क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम होगा थोड़ा भी तो उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं शॉर्टकट में, क्या होगा कि जो प्रूफ करना है वो क्या है, इसमें दो रूट आ रहा है, क्या करेंगे, पहला मेथड कि इसको हम एज्यूम कर लेंगे रेशनल है, किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि रूट फाइव माइनस रूट सेवन इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में, रेशनल नंबर है। मैंने फिर बोला कि एक रूट को उठाकर ले जाओ उस साइड, माइनस वाले को ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस रूट सेवन। फिर मैंने क्या बोला था कि मुझे एक ही रूट चाहिए तो बेटर है कि हम इसको स्क्वायरिंग कर दें। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर होगा फाइव और ये क्या होगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर क्या होगा, सेवन प्लस टू ए इंटू बी, तो टू पी रूट सेवन बाई क्यू। इस पूरे क्वेश्चन में मेरे पास एक ही रूट आया तो उसको क्या करेंगे, एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी को ले जाएंगे सेकेंड साइड, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टू पी रूट सेवन बाई क्यू, इसको यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, फाइव माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस सेवन। अब क्या करेंगे, इधर वाले को पहले हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 2p रूट सेवन बाई क्यू इक्वल टू फाइव माइनस सेवन कितना होगा, माइनस टू, तो क्या आ गया, माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस टू। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, क्यू स्क्वायर क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर, और इधर क्या है, 2p रूट सेवन बाई क्यू है, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहां से रूट सेवन को छोड़कर बाकी को उठा के ले जाएंगे उस साइड, तो क्या होगा, रूट सेवन इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी मेरे पास ये टर्म था, अब क्या करेंगे, क्यू यहां मल्टीप्ली डिवाइड वहां कर क्या होगा, मल्टीप्लाई, और टू पी यहां कर हो जाएगा डिवाइड, एक क्यू से गया एक क्यू, क्या बच गया, बच गया रूट सेवन इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू पी क्यू। अब यहां से क्लियर दिख रहा है कि p और q जब इंटीजर है, इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आएगा, इंटीजर, ये भी क्या आएगा, इंटीजर, और इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल है, लेकिन हमारा फैक्ट कहता है कि रूट सेवन इज
इरेशनल. तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट रूट सेवन इज इरेशनल. देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड हेंस रूट फाइव माइनस रूट सेवन इज एन इरेशनल नंबर. तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है. ठीक है, अब इसके बेसिस, इस चैप्टर के बेसिस पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में नहीं दिया है. तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट दो लेक्चर हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, उसको हम रखेंगे क्विज टाइप का. ठीक है, सो एट लास्ट इफ़ यू लाइक टुडेज लेक्चर देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon so that you can get the notification of the next lecture. So for today, thank you.